I think actually we do not fielding. You know, we had a rain other day, so actually we do nothing. वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूं, टुडेज वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फबूम ऐप। अब तुम में से बहुत लोग पूछ रहे थे यार कोई ऐसी फैंटेसी साइट बताओ जिसमें सच में पैसे कमाए जा सके। फबूम.com वेबसाइट का सबसे अच्छा फीचर है रैंक फैंटेसी। इसमें एनालिसिस काफी ज्यादा है और लक फैक्टर काफी कम है। इसमें आपको कोई कैप्टन वाइस कैप्टन चूज नहीं करना, बल्कि सारे प्लेयर को एक ऑर्डर में अरेंज करना है और उन्हें रैंक देनी है, और उसी रैंक के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आपके जीतने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। एक और नया इंटरेस्टिंग फीचर है कि इसमें टॉस के पहले और टॉस के बाद दो अलग अलग कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें यूजर अपना एनालिसिस करके लास्ट मोमेंट पे टीम बना सकता है। इसमें कंपटीशन अभी कम है और जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी से डाउनलोड मारो यार। इंडिया ने टॉस जीतकर किया पहले तैरने का फैसला। पाकिस्तान अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा के बोला, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। थोड़े दिन पहले बाप से हार के गए कंगारू, और इसी बात पे सरफराज अहमद बोल पड़े कि हमें तो हलाल है, दम है तो बाप को हलाते। पाकिस्तान के जितने भी फैंस थे जिनकी धड़कनें साथ में आसमान पे पहुंच गई थी कि इंग्लैंड को हरा दिया। पाकिस्तान अपने ओरिजिनल फॉर्म में आके उनकी सेहत का ध्यान रख चुका है भाई। पाकिस्तान ने जीता टॉस और हमारे चहीते सरफू भैया ने प्यारी सी स्माइल लेते हुए बोला, हम बॉलिंग करेंगे। भाई ये बीमिंग स्माइल देख के ना मेरे को सरफू भाई का चेहरा याद आ गया था लिटरली। भाई जो भी वीडियो देख रहा है ना इंस्टाग्राम पे जरूर आना, 16 तारीख का वीडियो सब देखेंगे लाइव। बहुत एक्साइटेड हूँ यार मैं। हमारे लसन अली भाई में पता नहीं किसकी आत्मा आ गई थी, 15 बॉल पे मारे 32 रन। मैंने सोचा अगर ये बंदा आज मैच जिता दिया ना भाई, खुद के सेलिब्रेशन से ही मर जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स देख के लग रहा था ना भाई एग्जाम में इंडिया के पास बैठे हैं ये लोग। 10 ओवर स्लो खेलना है, फोर्थ नंबर पे अपना हार्ड हिटिंग बैट्समैन भेज देना है। हमने भेजा था हार्दिक पांड्या, इन्होंने भेज दिया मैक्सवेल। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। आसिफ अली ने छोड़े दो इजी से कैच। आसिफ भाई खूब मालिश करवा रहे हो इंग्लैंड में, सब फिसल रहा है हाथ से। एक कैच तो भाई फिंच का छोड़ मारा, बना तेरे को डर नहीं लगता? उसके बाद तो फिंची भाई हमारे ऐसे फॉर्म में आए जैसे मियां खलीफा को देख के जॉनी सिंस। फिर पिच इंस्पेक्शन करने आए हमारे शोएब मलिक भाई, जो कि दूसरी ही बॉल पे सानिया दीदी के पास जाके फिर से बैठ गए। वहाब रियाज और हसन अली ने ही करी जो भी बैटिंग करी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के बैट्समैन को यही बोला, अरे शर्म करो, जैसे मैं बताता हूँ सोसाइटी को मैसेज देते हैं, समाज को संदेश देते हैं, उन्नति लाते हैं, अरे ऐसे कुछ बनाओ, ये क्या है, मर्द के पुत्र बनो, मर्द की गल करो। वहाब रियाज तो हमारे सरफू भाई की राह पे चल पड़े, बैट का साफ एज निकला और बोल रहे मेरे बैट का एज लगा। नहीं तो मैं तो बैटिंग नहीं लाया यार, मेरा नहीं लगा। डीआरएस में सब पता चल गया, नॉटी बॉय। मैच की लास्ट में तो भाई मिचेल स्टार्क अंगारे फेंकने लगा था। सरफू भाई हमारे इतने भोले हैं कि लास्ट विकेट बचने पे भी टैलेंडर को स्ट्राइक दे दे रहे थे कि तुम ही जिता दो क्योंकि हमको तो, और बिना कोशिश करे नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन आउट हो गए। सरफू भाई अपनी टीम को कुछ इस तरीके से लीड करते हुए दिखे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। भाई ये वर्ल्ड कप चल रहा है या रेन डांस चल रहा है यार, मतलब बारिश पिच इंस्पेक्शन बारिश मैच कॉल्ड ऑफ। अभी तक टोटल वर्ल्ड कप के मैचेस देख लो तो भी इतने मैचेस कैंसिल नहीं हुए जितने इस बार वर्ल्ड कप में हो गए, और अभी तो ये वर्ल्ड कप आधा ही हुआ है। एक बंदा तो भाई दिल पे ले लिया, बोल रहा है ट्रॉफी को 10 हिस्सों में बांट के सारी टीमों में बांट दो। कब तक एक एक पॉइंट बांटोगे यार? कुछ टीम्स तो बड़ी खुश होगी कि चलो कुछ तो मिला। स्टार स्पोर्ट्स ने जो पाकिस्तान के ऊपर एड बनाया था वो तो सब लोगों ने देखा ही होगा, और जो पाकिस्तान ने अभिनंदन सर को लेके वीडियो बनाया वो भी देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो टेलीग्राम पे दोनों वीडियो डाल रखे हैं, देख लेना यार। अब देखो यार, बाप बेटे वाला मजाक तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, मतलब इंडिया पाकिस्तान को बोलता है कि तू मेरा बेटा, पाकिस्तान इंडिया को बोलता है कि तू मेरा बेटा, कुछ तो भी। पर इस बार जो इन्होंने अभिनंदन सर पे बनाया ना भाई, इसकी उम्मीद केवल पाकिस्तान से की जा सकती है। मतलब भाई क्रिकेट मैच है, स्पोर्ट्स को तुम कहां तक ले जा रहे हो, एलओसी की लड़ाई नहीं चल रही। इस वीडियो पे लोगों ने कुछ कुछ कमेंट किए थे जैसे कि शेमफुल पाकिस्तान, वर्ल्ड कप एड मॉक्स अभिनंदन कैप्चर्स टू पब्लिशाइज क्लैश अगेंस्ट इंडिया, बॉयकॉट पीसीबी टू कैंसिल लाइसेंस ऑफ दैट चैनल, दिस इज पाकिस्तान शेमलेस एज ऑलवेज, आफ्टर वॉचिंग दिस आई मस्ट से पाकिस्तान कांट टेक इवन अ कप फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान मस्ट टेल यू यू कांट विन वर्ल्ड कप इवन इन योर ड्रीम्स, कैन वी स्टॉप दिस पेट्रोनाइजिंग एड्स, इट इज अ फ्रीकिंग टूर्नामेंट। ऐसा लोगों ने बोला है, आप भी अपना व्यू पॉइंट बताना कमेंट सेक्शन में। काफी सीरियस बातें होगी, अब चलते हैं मीम मेमे मामा रिव्यू की तरफ। पाकिस्तान प्रैक्टिसिंग ऑल पोजीशंस फॉर संडेज मैच, बस बारिश ना हो यार, साउथ अफ्रीका कंडीशन।
get back to your seat. I'll take care of this. Calm down. Calm down. Get off here. Doctor, you want another fall? Everything's going to be all right. Sit down. I'll handle this. I gotta go. Out of here. Out of here. Every cricket fan to ICC, यही इंतजाम कियो। अब इसमें कंपैरिजन किया गया है जब पाकिस्तान 1992 में वर्ल्ड कप जीता था, पहला मैच जीता, दूसरा हारा, तीसरा में एक एक पॉइंट शेयर हुआ, जबकि इस बार भी हो रहा है। एक मिनट, इस हिसाब से तो यार सरफू भाई हमारे नेक्स्ट पीएम बन जाएंगे। सीम्स लाइक रेन इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप, और ये हमारे सरफू भाई का सबसे क्लोज DRS जीनियस। 16 जून को बारिश हुई तो चाहे फुटबॉल मैच खिलवा लो इनसे, लेकिन मैच तो होना चाहिए, वो भी ना हुआ तो इंग्लिश में कंपटीशन करवा लो भाई। इसमें सर को भाई मात दे देंगे सबको। द यस्टरडे मीटिंग, सो एवरीथिंग राइट ऑन द थिंग्स, सो एवरीथिंग राइट ऑन द थिंग्स। अब मेरे को लोग बोलने लगेंगे लैंग्वेज से क्या होता है, मैच में तो अच्छा कर रहे ना वो लोग, तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। योर क्रश, हर फादर, हर ब्रदर, हर क्रश, यू। इतना भाव क्यों खा रहे हो, वर्ल्ड कप तेरे बाप का है क्या? हाँ मेरे बाप का है सरफू भैया। तो बस यार आज की वीडियो के लेते हैं, और फबू मैप डाउनलोड करना मत भूलना यार, सारे फैंटेसी ऐप से कुछ हटके है इसमें। और अगर अभी भी आपको टीम बनाने में कंफ्यूजन हो रही है तो टेलीग्राम पे आओ यार, क्योंकि कल के मैच की टीम मैं इस पे देने वाला हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पे जल्दी से आओ यार, ताकि 16 तारीख का मैच साथ में देख सके। बाकी ऐसे ही तबाही मचाते हो, सपने पूरे करते हो, भाई को मत भूल जाना यार।